हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंगेज म्यूजिक प्रोडक्शन मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कॉन्टैक्ट की एक लाइब्रेरी है इंडियन लाइब्रेरी जिसमें इंडियन साउंड्स हैं सो उसमें एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है जब आप उसमें मिडी लोड करते हो तो हो सकता है वो स्केल पे प्ले ना हो आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली मैं एक रीमिक्स क्रिएट कर रहा था गोरिए बाय दर्शन रावल एंड वहाँ पे मैंने एक मिडी जो है आ, स्टार्टिंग की जो मिडी है वो यूज़ करी थी एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँ एक काम करते हैं इस कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है मेरा प्रोजेक्ट एंड ये है मिडी सो मिडी आप चाहें तो कॉपी कर सकते हो मैं एक बारी आपको सुना देता हूँ यहाँ पर एक काम करता हूँ यहाँ पर नहीं सुनाता हूँ मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट को डिलीट कर देता हूँ एंड उसके बाद ये भी कॉन्टैक्ट है मैं इसकी मिडी कॉपी करके इसको भी डिलीट करता हूँ नाउ एक बारी मैं यहां पे सिर्फ एक एफ एल को ऐड करता हूं सो so दैट आपको पता चल जाए एग्जैक्टली exactly साउंड क्या है सो so, यह है एफ एल पे मैंने पेस्ट कर दी मिडी है सुनते हैं तो ये है मिडी अब मैं इसमें सोच रहा था मैं प्लान कर रहा था कि क्यों ना कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट में यूज करूं तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने ऐड किया कॉन्टैक्ट को एंड यहाँ पे जो मैं लाइब्रेरी यूज़ करने वाला हूँ वो है इंडियन लाइब्रेरी जो है जिसमें इंडियन साउंड्स हैं एंड यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ जो मैं साउंड यूज़ करूँ वो सितार की यूज़ करूँ सो so, सितार मैंने लोड किया एंड ये जो मिडी है इस मिडी को मैं कॉपी करूँगा एंड इसमें करूँगा पेस्ट इसको अभी म्यूट कर देते हैं अब एक बार ही सुनते हैं क्या हमें वो साउंड मिल रही है तो जैसा कि आप सुन सकते हो वो जो स्केल है वो यहां पे नहीं मिल पा रहा है मैं एक बारी एफ एल की इस पर आपको सुनाता हूं जैसा कि आप सुन सकते हो एंड अगर मैं अगेन यहां पे आऊं कॉन्टैक्ट पे आऊं अब आप सुन सकते हो स्केल ही डिफरेंट है ऐसा क्यों है अगर मैं आपको मिडी दिखाऊं तो मिडी एग्जैक्टली सेम है आप देख सकते हो यहां पे यह है कॉन्टैक्ट एंड यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ एफ एल की एक्जैक्टली सेम है मेडी लेकिन फिर भी हमें साउंड में डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इशू नहीं है जस्ट आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है आप देख सकते हो यहाँ पे स्केल यहाँ पे अभी सिलेक्टेड है भैरवी भैरवी एक राग है यहाँ पे हमें इसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है मेरा इसका जो स्केल है वो है डी सॉरी डी माइनर So, यहां से मैं इसको चूज करूंगा आप देख सकते हो क्रोमैटिक मेजर माइनर एंड यहां पे राग्स भी हैं। सो माइनर एंड यहां पे है सी इसको मैं कर दूंगा डी जस्ट इतना सा काम करना है डी माइनर अब सुन के देखते हैं क्या आ रहा है तो जैसा कि आप सुन सकते हो अब हमारा जो स्केल है वो मैच हो गया है तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कोई भी इशू नहीं था जस्ट हमें लाइब्रेरी में कॉन्टैक्ट की जो लाइब्रेरी है इंडियन सीरीज की वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना था स्केल ऐसा मत सोचना आप कि आपने जस्ट एक मिडी कॉपी एंड पेस्ट करी एंड आपका उससे काम एकदम हो जाएगा नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ी सी ट्वीटिंग आपको करनी होती है जैसा कि एक एग्जाम्पल आपने ये देखा सो so, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट में इस रीमेक्स में मैं आगे वीडियोज़ के थ्रू आपको बताता रहूँगा आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है सो so वीडियो कर देना लाइक like, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आपके मन में कोई डाउट्स है या फिर क्वेरीज हैं सो कॉमेंट सेक्शन खुला है नीचे आप मेरे से पूछ सकते हो फिलहाल आज के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में